कहते हैं ना भैया, जब आपका फॉर्म आपके पास नहीं होता तो कोई नहीं पूछता, या समय हो या फॉर्म, ये दोनों क्रिकेट में बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन जब आप बल्लेबाजी ऐसी कर जाएं कि लोग चारों तरफ आपकी प्रशंसा करने लगे तो एक अलग ही बात होती है, और ये वाक्या हुआ है संजू सैमसन के साथ। जी हाँ, संजू सैमसन के तीसरे वनडे में शतक के बाद सभी क्रिकेटर संजू की तारीफों के पुल बांध रहे हैं, और इसी कड़ी में टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी सुनील गावस्कर ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे मुकाबले में संजू सैमसन की शतकीय पारी की तारीफ करते हुए कहा कि यह शतक संजू सैमसन के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। उन्होंने आगे कहा कि इस शतक के बाद संजू सैमसन का खुद पर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तीसरे वनडे में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक निर्णायक मुकाबला खेला गया। दोनों ही टीम मैच से पहले एक एक की बराबरी पर थी। शुरुआती झटकों के बाद भारतीय बल्लेबाजी पर थोड़ा सा दबाव आया, लेकिन उसके बाद संजू सैमसन ने पहले टीम को शुरुआती झटकों से उबारा और फिर भारतीय टीम के बड़े स्कोर की नींव रख दी। संजू सैमसन ने शानदार 108 रन बनाए, और इसी वजह से भारत ने न सिर्फ यह मुकाबला जीता बल्कि सीरीज पर भी कब्जा कर लिया। तीसरे वनडे में संजू सैमसन को नंबर 3 पर खेलने का मौका मिला और उन्होंने इसका पूरा फायदा उठाया। सुनील गावस्कर ने स्टार स्पोर्ट्स पर बातचीत के दौरान कहा कि मुझे लगता है कि इस शतक के बाद संजू सैमसन का करियर चेंज होने वाला है। अब उन्हें भारतीय टीम में ज्यादा मौके दिए जाएंगे और उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। भारत ने तीसरे वनडे में दक्षिण अफ्रीका को 78 रन से हराकर 2-1 से सीरीज पर कब्जा कर लिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 296 रन बनाए। संजू सैमसन ने 114 गेंदों पर 6 चौके और 3 छक्के के मदद से 108 रनों की जबरदस्त पारी खेली। संजू सैमसन को उनके शानदार शतक के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड से भी नवाजा गया। संजू सैमसन के अलावा तिलक वर्मा ने 52 और रिंकू सिंह ने तूफानी 38 रन की पारी खेली। इस लक्ष्य के पीछा करते हुए 218 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। भारत की तरफ से अक्षदीप सिंह ने 4 विकेट झटके और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। अब आपको लगता होगा कि क्या संजू सैमसन के शानदार शतक के बाद उनकी टीम में जगह पक्की हो जाएगी? अगर आप वनडे में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं तो क्या 2024 में आने वाला T20 वर्ल्ड कप में संजू सैमसन खेल पाएंगे? लेकिन अगर मैं बता दूं, इससे पहले T20 IPL जो होने वाला है, अगर संजू सैमसन अपनी परफॉर्मेंस जैसे वनडे में दिखाए तीसरे में, अगर ये IPL में भी ऐसी परफॉर्मेंस दिखाते हैं तो शायद एक बार संजू बैक करेंगे T20 में, क्योंकि कहा ऐसा ही जाता है कि संजू जब चलते हैं T20 में और 20 ओवर के मैच में छोटे प्लेटफॉर्म में तो उनसे खतरनाक बल्लेबाज कोई भी नहीं है भैया। मतलब रिकॉर्ड तो टूटे साउथ अफ्रीका की, क्योंकि KL राहुल को देखिए, उन्होंने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा, महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड तोड़ा, संजू सैमसन का शतक आया। मतलब भारत के लिए अभी तक सब कुछ अच्छा जा रहा है। अब देखना होगा जो टेस्ट मैच 26 तारीख से होने वाला है उस पर क्या होगा। रोहित शर्मा कमबैक करेंगे 2023 वर्ल्ड कप फाइनल हारने के बाद। आपको वर्ल्ड कप के फाइनलिस्ट कुछ खिलाड़ी मिलेंगे, रविंद्र जडेजा, रोहित शर्मा, विराट कोहली अभी क्लियर नहीं है क्योंकि वो मेडिकल थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो भारत वापसी आए थे। लेकिन देखना होगा कि कौन हिस्सा रहेंगे। मोहम्मद शमी इंजर्ड हैं, वो चोटिल हैं, वो खेल नहीं पाए, लेकिन रोहित शर्मा की कप्तानी एक बार सभी को देखने को मिलेगी। अगर आपने भी संजू सैमसन की पारी देखी तो बताइए, क्या एक बार फिर से संजू सैमसन इस तरह की पारी खेलेंगे या फिर इन फॉर्म फिर से आउट फॉर्म हो जाएंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।